हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लोसी इरेग्रे की। लोसी इरेग्रे, ये बेल्जियम में इनका जन्म हुआ है और इन्होंने अपनी एमए की डिग्री लोवेन यूनिवर्सिटी से ली और इसके बाद में इन्होंने एक दूसरी डिग्री एमए की साइकोलॉजी के अंदर ली और फाइनली 1968 में इन्होंने लिंग्विस्टिक में डॉक्टरेट की डिग्री ले ली थी। तो ये आप इनकी एजुकेशन देख सकते हैं कि पहले इन्होंने एमए किया था लोवेन यूनिवर्सिटी से और फिर उन्होंने डबल एमए किया साइकोलॉजी में और इसके अलावा उन्होंने 1968 में लिंग्विस्टिक में यानी भाषा ज्ञान में डॉक्टरेट की उपाधि ले ली थी। लूसी इरिग्रे ने अपने आप को एक साइको एनालिस्ट के रूप में काफी ट्रेंड किया है, काफी उन्होंने इस पर प्रैक्टिस की है और जो कि एक सोसाइटी थी यहाँ पर जिसका नाम आप देख सकते हैं, जैक्स लैकान की इकोल फ्रोडियन डी पेरिस, ये नाम की जैक्स लैकान की एक सोसाइटी थी, एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन थी जहां पर लोग अपने आप को प्रैक्टिस क्या करते थे, ट्रेंड क्या करते थे। तो लूसी इरेग्रे भी वहां गई और उन्होंने अपने आप को एज अ साइको एनालिस्ट काफी ट्रेंड किया था। अच्छा, इनका जो वर्क है, जिन्होंने काम किया है, इन्होंने आपने एक दूसरी जो महिला थियरिस्ट हैं जिनका नाम है हेलेन जिग्सेस, अगर आपने हेलेन जिग्सेस को नहीं पढ़ा है तो आप उसको पढ़ लें क्योंकि लूसी इरेग्रे ने उन्हीं के साथ मिलकर काफी काम किया है और दोनों के जो विचार है वो काफी मिलते जुलते हैं। तो लूसी इरेग्रे ने काम किया है जेंडर डिफरेंस पर, यानी जो लैंग्वेज है, उन्होंने कहा था हेलेन जिग्सेस ने कि जो लैंग्वेज है, जो हमारी भाषा है वो भी जेंडर पर बेस है, यानी महिलाओं की जो लैंग्वेज है उनकी जो आवाज है उसको पैसिव माना जाता है और मर्दों की जो आवाज है उसको एक्टिव माना जाता है। हेलेन जिग्सेस ने कहा था कि बाइनरी अपोजिशन की बात की थी उन्होंने लैंग्वेज के अंदर, के महिलाओं की और पुरुषों की लैंग्वेज के अंदर भी एक बाइनरी अपोजिशन है। कैसा बाइनरी अपोजिशन? एक्टिव पैसिव, ठीक है। तो लूसी इरेग्रे ने भी कहा है कि लैंग्वेज में जो डिफरेंस चल रहा है वो जेंडर का काफी डिफरेंस देखने को मिलता है। लैंग्वेज के ऊपर बात करते हुए उन्होंने लिखा है कि जो हमारी बातचीत है, जो हमारी लैंग्वेज है, जो हमारा कम्युनिकेशन है वो कभी भी नेचुरल नहीं हो सकता, यानी अगर हम ये बोलें कि भी महिलाएं तो महिलाओं की तरह ही बोलती हैं और पुरुष पुरुष की तरह बोलते हैं, नहीं, बल्कि ये कहा लूसी इरेग्रे ने कि हमारी स्पीच तक भी कभी भी नेचुरल नहीं हो सकती, बल्कि इसके अंदर भी एक सेक्सुअल डिफरेंस देखने को मिलता है। कैसा सेक्सुअल डिफरेंस? महिलाओं को आहिस्ता बोलना है, शालीनता के साथ में बोलना है, जो भद्दी कमेंट्स है वो नहीं करनी है, गालियां नहीं बकनी है, तो ये महिलाओं के लिए बोला जाता है, जबकि पुरुष जो है उनको तेज बोलना है, वो गालियां भी दे सकते हैं तो भी कोई बात नहीं, उनकी आवाज जो है वो एक्टिव मानी जाती है, ठीक है। तो लूसी इरेग्रे ने कहा कि हमारी जो लैंग्वेज है, हमारी जो स्पीच है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, हम उसको भी नेचुरल नहीं कह सकते हैं, बल्कि लैंग्वेज के अंदर भी, कम्युनिकेशन के अंदर भी, स्पीच के अंदर भी, बातचीत के अंदर भी एक सेक्सुअल डिफरेंस है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इनका एक आइडिया है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। लूसी इरेग्रे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थी क्योंकि इन्होंने यैक्स लैकान के साथ में काम भी किया है और यैक्स लैकान की जो साइको एनालिसिस है उससे काफी इन्फ्लुएंस हो गई थी और इसी के अलावा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी काफी इन्फ्लुएंस थी लूसी इरेग्रे। कई महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने कई जो है आइडियाज में, कई थियोरी में काम किया है, जैसे कि लूसी इरेग्रे है, इसमें से आप जूलिया क्रिस्टोवा को पढ़ते हैं कई बार और आप हेलेन जिग्सेस को आपने देखा था, उन्होंने भी ऐसे ही है। तो लूसी इरेग्रे इनकी स्टडी हम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में भी करते हैं, इनकी स्टडी हम साइको एनालिसिस में भी करते हैं, इनकी स्टडी हम पोस्ट मॉडर्निज्म में भी कर लेते हैं और इनकी स्टडी हम फेमिनिज्म के अंदर भी करते हैं। तो लूसी इरेग्रे जो यैक्स लैकान की जो थियरी है साइको एनालिसिस उससे काफी इन्फ्लुएंस रही है और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म से भी ये काफी इन्फ्लुएंस है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके जो वर्क हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं और इन्होंने भी हेलेन जिग्सेस की तरह जो बात की है, उन्होंने बॉडी पर बात की है, सेक्सुअलिटी के ऊपर बात की है और आइडेंटिटी के ऊपर बात की है। लूसी इरेग्रे ने हमेशा बात की है बॉडी की, इन्होंने कहा है कि जो हमारी बॉडी है, महिलाओं की बॉडी, मतलब है इनका कि जो फीमेल बॉडी है, जो महिलाओं की बॉडी है, बॉडी एक ऐसा सोर्स है जिसके थ्रू हम पावर को गेन कर सकते हैं।
इसलिए हमें अपनी बॉडी को मर्दों के लिए सजना संवारना इतना नहीं चाहिए, यानी अपनी बॉडी को केवल हमें संवारने के लिए काम में नहीं लाना चाहिए, और ना ही मर्दों की जो एक लस्ट है, मर्दों की जो सेक्सुअल डिजायर है उसको शांत करने के लिए अपनी बॉडी को यूज करना चाहिए। और तीसरी बात, हमें अपनी बॉडी को केवल संतान पैदा करने का एक सोर्स नहीं समझना चाहिए। ये जो चीजें हैं, ये जो सोच है महिलाओं की कि हमें हमें संवरना है मर्दों के लिए, हमें संवरना है मर्दों की फिजिकल डिजायर को शांत करने के लिए, और हमें अपनी बॉडी को तैयार रखना है संतान पैदा करने के लिए, बच्चे पैदा करने के लिए, इन चीजों को छोड़ना होगा और हमें आगे बढ़ना होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी एक ऐसा सोर्स है जिससे हम पावर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हेलेन ज़िग्ज़ेस ने कहा था कि बॉडी और राइटिंग, हेलेन ज़िग्ज़ेस ने दो बात कही थी कि बॉडी के द्वारा और राइटिंग के द्वारा हम अपने अपने स्तर को उठा सकते हैं और समाज के अंदर अपना एक स्थान बना सकते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही थी सेक्सुअलिटी, कि महिलाएं अगर सेक्स के हिसाब से महिलाएं हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि हमें अपने सेक्स को आधार बनाकर, अपने सेक्स को एक बेस बनाकर उससे काम लेना चाहिए। यानी अगर हमें लग रहा है कि अपने जो है बॉडी को किसी के लिए अगर हम पेश करते हैं और हमें पावर मिल रही है तो हमें वो काम कर लेना चाहिए। किसी भी तरह से हमें पावर गेन करनी चाहिए, बॉडी के थ्रू हमें पावर मिल जाए, चाहे सेक्सुअलिटी के थ्रू हमें पावर मिल जाए। और फाइनली उन्होंने कहा है आइडेंटिटी, यानी हमें किसी भी तरह से अपने आप की जो आइडेंटिटी है, अपने आप की जो पहचान है, वो समाज के अंदर बनानी होगी। ठीक है, तो ये तीन टर्म आप काफी अच्छे से इनको समझ लेना। इनकी जो थियरी है वो काफी कॉम्प्लेक्स है, ये भी ध्यान रखना कि एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कि इनकी थियरी, इनके वर्क बहुत एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के जो आइडियाज दिए हैं कि बॉडी का, इन्होंने एक अलग ही डेफिनेशन दी थी, सेक्सुअलिटी की एक अलग ही डेफिनेशन दी, कहा कि बच्चे पैदा करने के लिए हमें नहीं रहना चाहिए महिलाओं को, या फिर मर्दों को सेटिस्फाई करने के लिए हमें अपनी बॉडी को नहीं रखना चाहिए, अपनी बॉडी को केवल सजने संवरने के लिए नहीं रखना चाहिए, बल्कि हमें इससे पावर गेन करनी चाहिए। इसी तरह हमें सेक्स के द्वारा भी पावर को गेन करना चाहिए और आखिर अपनी एक पहचान बनाकर रखनी चाहिए। इनका एक वर्क आया जो कि काफी फेमस वर्क भी है, दिस सेक्स विच इज नॉट, ठीक है, 1977 में आया, और इसमें उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने बात की है, वो एक्रीचर फेमिनिन के ऊपर बात की है। हेलेन ज़िग्ज़ेस ने भी, हेलेन ज़िग्ज़ेस ने तो बल्कि एक्रीचर फेमिनिन का जो टर्म है उसको डेवलप किया है, उसको जो है, यानी उन्होंने खुद इस टर्म को ईजाद किया था, डेवलप किया था, नाम था हेलेन ज़िग्ज़ेस। तो हेलेन ज़िग्ज़ेस के एक्रीचर फेमिनिन के टर्म के ऊपर काम करते हुए उन्होंने एक वर्क लिखा था, नाम है वर्क का दिस सेक्स विच इज नॉट वन, ये 1977 में आया था। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर एक्रीचर फेमिनिन को समझ लेते हैं। एक्रीचर फेमिनिन, फेमिनिन तो आप समझ ही रहे हैं कि महिला या महिलावाद, और एक्रीचर यहाँ पर आप राइटिंग के लेंगे, यानी लिखने का काम जो होता है। हेलेन ज़िग्ज़ेस ने कहा था कि जो महिलाएं हैं उन्हें अपने काम को लगातार लिखते रहना चाहिए, उन्हें ऑडियंस के लिए नहीं लिखना चाहिए, बल्कि उन्होंने उन्हें सबसे पहले अपने आप के लिए लिखना चाहिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर हम ऑडियंस के लिए लिखेंगे तो मर्द कभी भी महिलाओं को पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो उनकी लैंग्वेज को अच्छा नहीं मानते, वो उनके स्टाइल को अच्छा नहीं मानते, वो उनकी वोकैबुलरी को अच्छा नहीं मानते, वो उनके आइडियाज को अच्छा नहीं मानते हैं। तो इस तरह से हेलेन ज़िग्ज़ेस ने ये टर्म क्रिएट किया था, एक्रीचर फेमिनिन, और उन्होंने कहा था कि फेमिनिन यानी महिलाओं को अपनी राइटिंग को कंटिन्यू रखना चाहिए, अगर कोई भी नहीं पढ़ रहा है तो वो खुद अपने लिए उसको पढ़ती रहे और लिखती रहे। तो इसी टर्म के ऊपर लूसी रेग्रे ने भी ये वर्क लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है। और जो इनका नेक्स्ट जो इन्होंने बात किया, जो इनका आइडिया है, वो है फेलोगोसेंट्रिक ट्रेडिशन ऑफ साइको एनालिसिस, क्योंकि साइको एनालिसिस में इन्होंने एमए किया था और काफी अपने आप को ट्रेंड भी किया था इन्होंने, तो साइकोलॉजी के ऊपर काफी काम किया है। तो ये जो फेलोगोसेंट्रिक ट्रेडिशन है, इसमें इन्होंने ये कहा है कि देखो जो सिगमंड फ्रॉयड की जो थ्योरी है, सिगमंड फ्रॉयड आपने पढ़ा है, उसमें पढ़ा था फेलोसेंट्रिक, है ना, ट्रेडिशन। तो उन्होंने कहा है यहाँ पर लूसी एरेग्रे ने कि जो सिगमंड फ्रॉयड है, उन्होंने भी हमेशा एक बॉय को लिया है, उन्होंने हमेशा एक मर्द को अपने थ्योरी में लिया है, जबकि सिगमंड फ्रॉयड से जब महिलाओं के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मुझे महिलाओं के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए मैंने महिलाओं के ऊपर लिखना पसंद नहीं किया है।
तो यहाँ पर लूसी इरिगरे ने कहा कि सिगमंड फ्रॉयड जैसा जो एक साइकोलॉजिस्ट रहा, साइको एनालिस्ट रहा, उसने भी एक मर्ग को अपने जो है वर्क में, अपने थ्योरी में लिया है, और उसने मेल को फर्स्ट माना और जबकि फीमेल को पीछे रख दिया, यानी उसको उसने सेकंड माना है, इसलिए उसने उसके ऊपर काम नहीं किया है। दूसरी बात उसने ये की है लूसी इरिगरे ने, फेलोगोसेंट्रिक ट्रेडिशन के बताई है कि देखो सिगमंड फ्रॉयड ने कहा है कि एक बच्चा जब वो छोटा होता है तो वो देखता है कि उसके पेनिस है, जबकि उसके सिस्टर के या जो आस पड़ोस के बच्चे उसके साथ में खेलते हैं उनके पेनिस नहीं है। तो यहाँ पर सिगमंड फ्रॉयड ने एक मर्द को पेनिस के रूप में दिखाकर या एक मेल के अंदर पेनिस दिखाकर दिखाना चाहा है कि मर्द सुपीरियर होते हैं, और चूंकि फीमेल में पेनिस नहीं होता है तो इसीलिए एक कमी है। सिगमंड फ्रॉयड ने कहा कि फीमेल के अंदर एक कमी है, वो कमी क्या है कि उनके पेनिस नहीं है। तो यहाँ भी सिगमंड फ्रॉयड में क्या कर रहे हैं, जेंडर को आपस में डिवाइड कर रहे हैं। तो लूसी इरिगरे ने भी इसको भी अच्छा नहीं बताया, उन्होंने कहा कि ये गलत है। और सिगमंड फ्रॉयड की इस थियरी से ओरियक्स लैका ने भी इसके ऊपर काम किया है, उन्होंने भी फेलोसेंट्रिक ट्रेडिशन के ऊपर काम किया है। तो लूसी इरिगरे ने जब इनको पढ़ा, अच्छे से डीप स्टडी की इनकी, तो उसने कहा कि ये सही नहीं है, ये तो साइकोलॉजी के अंदर भी, साइकोएनालिसिस के अंदर भी फीमेल और मेल की बात कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको गलत ठहराया है। और इसका आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इतना बढ़ गया कि 1974 में लूसी इरिगरे को जो एक ऑर्गेनाइजेशन थी, जो एक सोसाइटी थी फ्रॉडियन डी पेरिस, वहां से उसको निकाल दिया गया कि आप यहाँ पर काम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि लूसी इरिगरे के जो आइडियाज थे वो बहुत अलग हो गए थे। और इसके अलावा इन्होंने इनको पढ़कर एक अपना वर्क पब्लिश कराया था, वर्क है स्पेकुलम ऑफ द अदर मूवमेंट, ठीक है। और इस वर्क की वजह से जो यैक्स लैका है उसने डिसअप्रूव कर दिया, तो उसने कहा था कि आपने सही नहीं लिखा है, या आप ये वर्क देख सकते, वर्क का नाम है स्पेकुलम ऑफ द अदर मूवमेंट। इसके अंदर उन्होंने कहा है कि देखो किस तरह से सिगमंड फ्रॉयड, यैक्स लैका और बड़े बड़े साइको एनालिस्ट भी जेंडर को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका खामियाजा ये हुआ कि उनको वहां से, उस सोसाइटी से निकाल दिया गया। आगे उन्होंने कहा है उनकी जो थ्योरी है साइको एनालिसिस पर, उन्होंने कहा है कि साइको एनालिसिस भी पूरी तरह से क्या है, वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन पर बेस करती है, यानी वेस्टर्न जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन है उसी के ऊपर साइको एनालिसिस जो थ्योरी है उसको गढ़ा गया है और उसको बनाया गया है। और ऐसा क्यों कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि जो वेस्टर्न फिलोसफिकल आइडियाज है, ट्रेडिशन है, वो मोनोसेक्सुअल है, यानी वो केवल मर्द को मानते हैं फर्स्ट और महिलाओं को मानते हैं वो सेकेंड। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर केवल जो मैस्कुलाइन है उनको लिया जाता है, और जो महिलाएं हैं उनको क्या माना जाता है, एज अ कमोडिटी, यानी महिलाओं को ऐसा माना ही नहीं जाता कि उनके ऊपर भी गौर किया जाए, उनके ऊपर भी विचार किया जाए, उनको तो एक वस्तु माना जाता है। जैसे कि कोई भैंस के ऊपर विचार नहीं करता, कोई भेड़ बकरियों के ऊपर इतना कोई विचार नहीं करता है, आजकल तो खैर होने लगा है, आप मुझे माफ करना, लेकिन इनके कुछ इस तरह से ही सवाल है। कमोडिटी माने वस्तु, कोई ऐसी चीज जिसके ऊपर विचार ना किया जाए। सिगमंड फ्रॉयड ने भी कहा कि मैं महिलाओं के बारे में नहीं जानता, उसने महिलाओं के ऊपर बात ही नहीं की इतनी, बहुत थोड़े से आइडियाज दिए, जबकि मर्दों के ऊपर उसने बहुत कुछ लिखा है। तो कहा है लूसी इरिगरे ने कि जो हमारी साइको एनालिसिस है, जो हमारी साइकोलॉजी है, वो वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन पर बेस कर रही है, और चूंकि वेस्टर्न फिलोसफिकल ट्रेडिशन में केवल वो एक मोनोसेक्सुअल है, मोनोसेक्सुअल यानी एक सेक्स को मानती है, और वो सेक्स कौन है, मैस्कुलाइन, केवल मर्दों को मानती है, जबकि महिलाओं को वो केवल एक वस्तु मानती है। और सिगमंड फ्रॉयड में भी हम इस चीज को साफ साफ देख सकते हैं। ये इनकी हो गई थियरी, उम्मीद करते हैं कि आपकी थियरी अच्छे से समझ आ गई होगी। ये इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट आइडियाज को मैंने लिया है, तो आप इनको दोबारा से भी देख सकते हैं। अब इनके कुछ वर्क्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है लूसी इरिगरे के, डेमोक्रेसी बिगिंस बिटवीन द टू 1994 माया, डेमोक्रेसी बिगिंस बिटवीन द टू। सेकेंड जो है इनका है ये अलग से भाषा है, जी टू नोज 1990 माया, और इसमें उन्होंने पूरी की बात की है जेंडर डिफरेंस की। फिर आगे है एन एथिक्स ऑफ द सेक्सुअल डिफरेंस, ये बायोलॉजिकल डिफरेंस जो भी है उसकी बात इन्होंने किया 1993 में आया, और लास्ट में इनका मैरी लवर ऑफ फ्रेडरिक नीचे, ठीक है, 1991 में ये फिलोसफी के ऊपर लिखा गया इनका वर्क है।
तो आप वर्क देख सकते हैं, बाकी जो आइडियाज हमने इनके कवर कर लिए हैं। उम्मीद करते हैं समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना काफी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।